खोरी महुआ एसडीएम के आश्वासन के बाद तीसरी 20 सूत्री अध्यक्ष व जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष का धरना फिलहाल स्थगित। एसडीएम ने 20 सूत्री की बैठक से नदारद अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाई कड़ी फटकार। 20 मार्च को एसडीएम खुद करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक। प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने कहा कि धरना फिलहाल स्थगित, सुधार नहीं हुआ तो फिर होगा आंदोलन। तीसरे प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष 20 सूत्री अध्यक्ष व प्रखंड अध्यक्ष द्वारा जारी धरना एसडीएम के आश्वासन के बाद गुरुवार को फिलहाल स्थगित हो गया है। बताया जाता है कि आला अधिकारियों के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीएम धीरेंद्र कुमार सिंह स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और तीसरी प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष व जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष से बातचीत कर सारी वास्तु स्थिति को जाना। एसडीएम द्वारा 20 सूत्री की बैठक में नदारद अधिकारी व कर्मचारियों से अनुपस्थित रहने का कारण पूछते हुए कई पदाधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी डांट फटकार लगाई गई। साथ ही एसडीएम ने कहा कि आगामी 20 तारीख को वह स्वयं तीसरी मुख्यालय में एक बैठक आयोजित करेगी जिसमें सभी पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित होंगे। वहीं मनरेगा योजनाओं को लेकर बीडीओ संतोष प्रजापति पर रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया गया। बीडीओ संतोष प्रजापति ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस संबंध में 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने कहा कि 20 सूत्री की बैठक में अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दिए जाने और उनके मनमाने रवैये के खिलाफ बीते दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत की गई थी। खोरी महुआ एसडीएम के आश्वासन के बाद धरने को स्थगित किया जा रहा है। आगामी 20 तारीख को होने वाली बैठक में संतुष्ट नहीं होने पर पार्टी इस पर पुनः विचार करेगी। वहीं जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने कहा कि प्रखंड में पदाधिकारियों द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार और उनके मनमानी रवैये के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया गया था, लेकिन खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी के आश्वासन के बाद इसे तत्काल स्थगित किया गया है। गौरतलब हो कि बीते दिन तीसरी प्रखंड मुख्यालय सभागार में 20 सूत्री की बैठक आहूत की गई थी जिसमें आधे से अधिक अधिकारियों के नदारद रहने पर 20 सूत्री अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष समेत तमाम जनप्रतिनिधियों और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद बैठक का बहिष्कार करते हुए 20 सूत्री अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष समेत कई जेएमएम और कांग्रेस के नेतागण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। इस धरने में जेएमएम को विपक्षी दलों के नेताओं का भी साथ मिला था। मौके पर गांव 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, कांग्रेस नेता मरगूब आलम, रामेश्वर चौधरी, गंगाराम टुडू, आजसू नेता नारायण यादव, करीम अंसारी, मनोज यादव, अमजद अंसारी, मुन्ना दास, सिमोन मुर्मू, जफरुल हसन सहित कई जेएमएम कार्यकर्ता मौजूद थे। अब बताइए, 11 तारीख की चिट्ठी आपने अपने सीईओ को बताया कि ये बैठक है? नहीं सर, हमारा आज का प्रखंड का उसका ऐसा बोल रही है ना, इसका ऐसा हम देखना चाहते हैं, हम अच्छी चीज़ का पूरा आपका काम है टेक्निकल सेशन के बिंदु पर केवल जो रिकॉर्ड होगा उसको टेक्निकल स्वीकृति देने के लिए, तकनीकी प्रतिनिधि स्वीकृति के लिए मैं तो सहायक हूं। और सुनो, उसके बाद में कोई बात नहीं। अब बताओ सर, एक सेकंड, ये क्या लिखेंगे? तकनीकी स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए, मुखिया लिख रहा है। स्वीकृति कौन कर रहा है, रिकॉर्ड में कौन स्वीकृति दे रहा है? अरे प्रशासनिक स्वीकृति कौन दे रहा है?
नहीं समझ पा रहा है, क्या समझ रहे हो? हाँ कौन दे रहा है? मुखिया ही देंगे ना, फिर दिक्कत ना। आप तो मुखिया रहे, कोई नहीं ताकू जाने जा समाज से भी कहीं कुछ बोलने में चुप हो जाता है, लेकिन तकनीकी में हमें एक हल है। एक विजयी है संजय, जो कभी मीटिंग में आते हैं, कल भी नहीं आए। तो वीरेंद्र विजय सर आए किसी 8 साल से पदस्थापित किसी पंचायत में, अच्छा, और 3 बार ट्रांसफर हुआ। एक बार तो 1 महीना में करा लिया, और अभी दिसंबर को हुआ तो 15 दिन में ही ट्रांसफर करा के फिर किसी में ही आ गया। तो भ्रष्टाचार का खुद जाता है, वो खुद कहता है हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे दूसरे तरफ से जल्दी जो अभी तक हम लोगों को मिले हैं, एक लोग बताते हैं, एक बात सुनिए जरा। इसमें क्या होता है सर कि पंचायत से रिकॉर्ड वगैरह तैयार करवा के टीएस के लिए वीडियो साहब के ऑफिस में आए, वीडियो साहब अब उसमें जो चिट्ठी बन के आता है पंचायत सेवा को मुखिया, अब उस योजना को ऑनलाइन लिखना है, ऑनलाइन लिखने के लिए उसको ऑनलाइन नहीं करके उसको वीडियो साहब कहते हैं कि अब जाके आप वीडियो साहब से मिलिए। यही पर घूमता है ऑनलाइन नहीं करके, और क्यों मिलना है वीडियो साहब से, उनका चेहरा देखने की जरूरत है। आप टेक्निकल सेक्शन दो नहीं, आप देख करके उनको छोड़ दो, अपना काम करेंगे, वो गलत काम कर रहे हैं कार्रवाई करो, फिर बीच में कहां किसकी जरूरत है? आपको अभी कलेक्टर की भूमिका में रहने का अधिकार है, तो आप वीडियो क्यों बनना चाहते हैं? वीडियो का अधिकार मुखिया जी को मिल गया तो आप कलेक्टर साहब की भूमिका में रहिए ना, चेक करिए गड़बड़ हो कार्रवाई करिए, ये जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए ना। योजना ऑनलाइन होगा, उसके बाद वो जो भी आईडी में जाएगा आपके कथन अनुसार उस हिसाब से होना ये चाहिए। अगर वीडियो साहब एक चिट्ठी दिखा दे आप जेई और एई को कि इसका तकनीकी बिल्कुल तकनीकी स्वीकृति है, तो इसको जो है प्रोग्राम तैयार करें, प्रोग्राम तैयार करें। और नीचे एक दो दिन का उसको भी दिया, 3 दिन उसको दिया, 5 दिन उसको दिया, 7, 5, 12 दिन, 3 दिन और दे दिया छुट्टी छाटी, 15 दिन में ये समस्या पार हो ही गई। मुखिया कोई है क्या यहाँ पर भी? कोई मुखिया टीएस वाला का 3 दिन को आपने 6 दिन दिया कि चलो 3 दिन और ले लो, लेकिन उतने दिन में हो जाए बताएगा आदेश कहाँ से मिलता है सार्वजनिक करें, बताइए इसकी क्या कहना है? क्या बैठे जमीन में रिपोर्ट करें, ये नहीं समझ पाएगी जमीन जो भी किसान लोग या फिर जो भी तरह का क्या खाली कर करना
तो वो जो जैसे ऑनलाइन के पहले सुन रहे आवेदन पड़ेगा, सीओ साहब सीन करेंगे, फिर वहां से जाएगा, फिर वो कर्मचारी के हाथ में जाते थे पहले, आम व्यक्ति के हाथ में दिया जाएगा, फिर कर्मचारी के पीछे गुजरे, तब होने का मतलब क्या होगा? उतना दूर जंगल से लोग आता है खांसी भी एरिया जो बिहार को सटा बॉर्डर है, उसके बाद आके यहाँ से घूम जाना, यहाँ सीओ साहब मौजूद रहते हैं, मतलब एनसीएल कराने के लिए भी 3 दिन लगता है सीओ साहब के पास। किनका हित इसी अगर है यही सीओ साहब अपने से कर देते हैं बिना इंसुलिन। वीडियो को बर्खास्त किया जाए। अच्छा एक बात, ये पावर हमको है, हमने कहा अगर निरीक्षण सब डाला है तो आप जो जो नहीं बोले हैं उसको भी मैंने बोला, आपने कहीं नहीं लिखा था कि वीडियो को बर्खास्त करें, मैंने कहा कि नहीं अगर नहीं होगा तो मैं 15 दिन के अंदर निरीक्षण करूंगा, मैंने डेट भी दे दिया, चूंकि डेट रामनवमी से टकराने आप लोगों को भी इसीलिए एक आरोप होगा कि नहीं इनको दिए थे कांग्रेस के हैं, इनको जेएमएम के, इनको बीजेपी के हैं, इसलिए सब पार्टी को बुला लेंगे, किसी को कोई बोलने का अवसर नहीं रहेगा। 20 तारीख को थाना में शांति समिति को तो कहां पर गांव प्रखंड में पशु सेठ यही वीडियो करने वाले हैं, जिसमें 50% अधिक यही किए हैं और कम दिनों में किए हैं, आपका जो समस्या है बीस सूत्रीय अध्यक्ष का जो शिकायत है आरोप है सर, उस पर क्या अमल किया? विश्व सूत्रीय अध्यक्ष ने जो शिकायत की थी, कल बैठक रखी गई थी विश्व सूत्रीय की, जिसमें पदाधिकारियों की अनुपस्थिति रही, अधिकांश पदाधिकारी अनुपस्थित रहे हैं, चूँकि मीटिंग अगर निर्धारित है प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से अगर पत्र निकलता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पदाधिकारियों की कि वो निश्चित रूप से उस बैठक में भाग लें, चाहे वीडियो हो, सीओ हो या अन्य कोई भी पदाधिकारी क्यों ना हो, आधे दर्जन से अधिक पदाधिकारी अनुपस्थित थे, सर्किल अफसर पर लोगों ने आरोप किया, वीडियो स्वयं भी अनुपस्थित थे, लेकिन चूंकि उनको पैर में कुछ प्रॉब्लम है तो इन लोगों ने बताया चलिए उनको प्रॉब्लम है, सीओ को रहना चाहिए था, सीओ को निर्देशित किया गया और सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में निश्चित रूप से अगर जिला स्तरीय बैठक या वरीय पदाधिकारियों की बैठक नहीं रहती है तो निश्चित रूप से वो विश्व सूत्री की बैठक में या अन्य बैठक प्रमुख जो बैठक करते हैं उसमें जरूर शामिल होंगे, और अगर वरीय पदाधिकारियों की बैठक होती है ऐसी परिस्थिति में अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करके भेजेंगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारी तरफ से अपनी बातों को रख सकेगा। जहाँ तक लोगों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं, लगभग लगता है 2.5 से 3 घंटे हम लोगों को लगा, अभी बातों को देखने से लगता है कि कमियाँ निश्चित रूप से तीसरी प्रखंड के कर्मियों में, अंचल के कर्मियों में या अन्य जो लोग हैं उन कर्मियों में हैं, और उस पर अगर सुधार की स्थिति नहीं बनती है तो मुझे उन पर कार्रवाई करने के लिए गुरेज नहीं होगा। आज की समीक्षा में किसी पर कार्रवाई होगी क्या सर? निश्चित रूप से सो कॉज उनको होगा जिन लोगों की उपस्थिति नहीं रही है, और हम विश्व सूत्री अध्यक्ष से ये अनुरोध करेंगे कि वो प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करके और पत्र पुनः निकलवाएं और अगले 7 दिन का समय देते हुए पहले से ही सूचना दे दें कि इस तारीख को बैठक होनी है, और उस बैठक में सभी लोगों को निर्देशित किया गया है मेरे स्तर से। किसी का ज्वलंत मुद्दा जमीनी है सर, जमीन विभाग में है, विवाद के मुद्दे पर भी मामले आए हैं, जमीन के मामले कर्मचारी सीआई और सीओ के स्तर से ही निष्पादित होते हैं, क्योंकि पंजीकृत खतियान जो भी चीज़ें हैं, नक्शा या अमीन, ये सारी चीज़ें उन्हीं के पास उपलब्ध है तो उनकी जवाबदेही बनती है। लोगों ने बताया कि नहीं रसीद काटने के बिंदु पर या म्यूटेशन करने के बिंदु पर
कुछ बिचौलियों की भी बात आई है, तो निश्चित रूप से ये गलत है। म्यूटेशन लॉ के अंतर्गत कार्य को करने की व्यवस्था बनी हुई है और उसी के अंतर्गत काम होना भी चाहिए। प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था पूरे राज्य में है, और राज्य में अगर है तो तीसरी उससे कोई अलग नहीं है। या ऑफलाइन के तर्ज पर काम होता है? बिल्कुल ऑफलाइन आज के बाद बंद रहेगा, ऑनलाइन ही प्रमाण पत्र बनाना है। किसी व्यक्ति को घूमने की व्यवस्था नहीं होगी। अंचलाधिकारी को अभी हमने निर्देशित भी किया है, और 20 तारीख को मैं स्वयं बैठक करने आ रहा हूं, चूंकि कल ही मैं बैठक करना चाहता था, लेकिन उपायुक्त महोदय के स्तर से दो आंगनबाड़ी की चुनाव कराने हैं, इसलिए मैं समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन 20 तारीख को मैं स्वयं बैठक करूंगा, और उस बैठक में पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया जाएगा, और साथ में जो हमारे राजनीतिक दल के लोग हैं या हमारे मुखिया हैं या जिला परिषद के सदस्य हैं या पंचायत समिति के सदस्य हैं, विस्तृत के जो लोग हैं या पार्टियों के भी अध्यक्ष, उन लोगों को भी बोला गया कि वो अपनी, चूंकि काफ़ी शिकायतें बार बार मिल रही है, तो उनके साथ भी बैठक करके और समस्याओं को संकलित करके और प्रयास किया जाएगा। जहां तक नरेगा की बात है, बीडीओ की भूमिका इस बिंदु पर बहुत नहीं है। टेक्निकल सेक्शन के बाद में मुखिया की ही प्रशासनिक स्वीकृति की स्थिति बनती है, पता नहीं क्यों इस तरह की स्थिति बन रही है और शिकायतें आ रही है। अगर शिकायतें आ रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारने का भी प्रबंध किया जाएगा। आज की बैठक का उद्देश्य यही था, और लोगों ने उपायुक्त महोदय से मांग की थी, उनके द्वारा मुझे जिला से ही भेजा गया डायरेक्टली कि आप जाएं और बैठक करके समस्याओं का निदान कराएं, और लोगों की अगर मांग जायज है तो कार्रवाई भी करने में कोई गुरेज नहीं।